कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। भैया जी, कौन है ये भैया जी? पॉलिटिक्स की बात करें तो सत्ता को विपक्ष और विपक्ष को सत्ता करने में मास्टरमाइंड भैया जी। उनके फावड़े ने हजारों दुष्कर्मियों को संसार से मुक्त किया है। एक समय था जब सरकार भी वही, प्रजा भी वही, क्राइम भी वही और कानून भी वही थे। तो क्या वह रॉबिनहुड है? नहीं, उसका बाप है भैया जी। दर्शकों को बांध कर रख देने वाला यह डायलॉग और ट्रेलर है मनोज वाजपेयी अभिनीत फिल्म भैया जी का। 24 मई को देश के थिएटर में यह फिल्म रिलीज होने जा रही है। शनिवार को कलाकार लोकेश तिलकधारी के आग्रह पर फिल्म भैया जी का प्रमोशन करने मेरठ पहुंचे थे मनोज वाजपेयी। इस मौके पर PVS मॉल में आयोजित कार्यक्रम में मनोज वाजपेयी ने मीडिया के सवालों के बेबाकी से जवाब भी दिए। देखिए, फिल्में लेके आएंगे जो लोगों के बारे में, लोगों के गांव के बारे में, लोगों की मिट्टी के बारे में, लोगों के छोटे शहर के बारे में, उनके रिश्ते के बारे में हो, उनके घर के बारे में, उनके भाई भाई के प्रेम के बारे में हो, माँ बेटे के स्नेह के बारे में हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम फिल्मों में हम ज्यादातर कई सालों से हम सिर्फ शहरों के किस्से या फिर बहुत सारे तड़क भाड़क वाली फिल्में बन रही थी। और मुझे ऐसा लगा कि और हमारे डायरेक्टर अपूर्व सिंह को भी लगा कि हम एक मेन स्ट्रीम फिल्म लेके आते हैं लोगों के मनोरंजन के लिए, लेकिन अब हम शहरों से अलग जा कर के छोटे शहर और गाँव की बात करेंगे जो पहले के सिनेमा में हुआ। कार्यक्रम के आयोजन में लोकेश तिलकधारी, यश पवार, गुड्डू गगोल, अनुरोध चौहान व संजू मित्तल का पूरा सहयोग रहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।